हाय एवरीवन, दिस इज़ उमे फ्रॉम एडवांस स्टडी और आज हम अपनी सीरीज़ का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड द कैपेसिटेंस। और इसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन्हें आपको सॉल्व करना है। और अगर आपको हमारे लॉन्ग नोट्स चाहिए तो वो हमारे चैनल पर मुनव्वर सर पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दिस इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड द कैपेसिटेंस। द फर्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है काम का होना किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से अगर हम किसी एक पॉइंट पर लाते हैं विदाउट एक्सेलरेशन से, मतलब अगर कोई भी हमारा कोई भी पॉजिटिव चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाएंगे तो वहाँ पर कुछ वर्क डन होता है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो ये एक वोल्टेज भी बोले जाते हैं। इसकी SI यूनिट हमारी वोल्ट होती है और इसका डायमेंशनल फार्मूला m^(1), l^(2), t^(-3), a^(-1) होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, यहाँ पर हम अपना जो चार्ज है पहले हम इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लेकर आते हैं तब वर्क डन हो रहा था, अब ये जो हम चार्ज लेकर आएंगे वो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम चार्ज को मूव कराते हैं तो वहाँ पर भी कुछ वर्क डन होता है जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। मतलब पहले हम इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर ला रहे थे, अब हम दो पॉइंट्स के बीच में अपने चार्ज को मूव कर रहे हैं तो उस केस में हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो भी सेम, उसकी यूनिट भी हमारी वोल्ट होती है, डायमेंशनल फार्मूला भी सेम रहता है। नाउ हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं यहाँ पर, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मतलब किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमारा पोटेंशियल कितना होता है, तो उसका आपको फार्मूला दे रखा है V=1/4πε0Q/R। 1/4πε0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9×10⁻⁹ N·m²/Coulomb² होती है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, मतलब काफ़ी सारे चार्जेस की वजह से कितना पोटेंशियल होता है, तो हम क्या करेंगे पहले 1×1 सारे पोटेंशियल निकाल देंगे पर्टिकुलर एक चार्ज से, आफ्टर डैट हम उस सबको ऐड कर लेंगे। और अगर हमें पोटेंशियल चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से तो देखिए हमारे दो केसेस होते हैं, एक तो हमारी एक्सियल लाइन, दूसरी इक्वेटोरियल लाइन। अगर हमें इक्वेटोरियल लाइन पर चाहिए, एक्सियल लाइन पर हमें पोटेंशियल चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0P/R² और अगर हम अपनी इक्वेटोरियल पॉइंट पर फाइंड करना चाहते हैं तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमेशा याद रखिएगा कि पोटेंशियल जीरो रहता है। उसके बाद अगर आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल पर भी आपको कोई भी किसी एक कहीं पर भी पॉइंट दे रखा है जिससे आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल से एंगल थीटा बन रहा है और वो 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है तो हम यहाँ पर पोटेंशियल इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0P cos θ/R². नाउ पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल, मतलब अगर हमारे पास कोई भी स्फेरिकल शेल दे रखी है तो उसके वजह से हमारा पोटेंशियल कितना होगा। अगर हम आउटसाइड फाइंड कर रहे हैं तो हमारा होगा 1/4πε0Q/R, मतलब ये जो स्मॉल r है वो आपका सेंटर से किसी भी एक पॉइंट का डिस्टेंस है जिस पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। और अगर हम उसकी सरफेस पर फाइंड करने हैं चार्ज स्फेरिकल शेल की तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0Q/R। R जो है उस स्फेरिकल शेल की रेडियस है और इन साइड भी हमारा सेम रहता है 1/4πε0Q/R। और अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज, मतलब हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिस जो यूनिफॉर्मली चार्ज है तो उस पर हमारी कितना पोटेंशियल होगा। अगर हमें आउटसाइड फाइंड करना है तो 1/4πε0Q/R। R जो है सेंटर का डिस्टेंस है किसी भी एक पॉइंट पर जहाँ पर आपको पोटेंशियल निकालना है। उसके बाद अगर आपको सरफेस पर फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πε0Q/R। कैपिटल R यहाँ पर जो रेडियस है वो हमारे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियस है। और अगर हमें इनसाइड फाइंड करना है तो 1/4πε0Q(3R²-R²)/2R³। अगर हमें सेंटर पर फाइंड करना है तो 3/2×1/4πε0Q/R। अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1.5 जो हमारा वोल्टेज है आपके सरफेस पर किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पर। ये हमारा इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चार्ज स्फेरिकल शेल जो होती है वो उस पर भी आपका पोटेंशियल सेम रहेगा जैसे कि आपकी एक चार्ज स्फेरिकल शेल है, मतलब जो कंडक्टर है आपका चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर उस पर भी पोटेंशियल सेम रहेगा किसी भी चार्ज स्फेरिकल शेल की तरह जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है।
नाउ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। देखिए इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कोई भी एक ऐसा सर्फेस होता है जिसके हर एक पॉइंट पर आपका जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल है वो सेम रहता है और उसी सर्फेस को हम इक्विपोटेंशियल सर्फेस बोलते हैं। लेकिन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बोर्ड में काफ़ी बार पूछी गई हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि हमारा कोई भी वर्क डन नहीं होता अगर हम कोई भी अपना टेस्ट चार्ज किसी इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस पर मूव कराते हैं। मतलब V माइनस VA ज़ीरो रहता है और जब वो ज़ीरो रहेगा तो आपका वर्क डन भी ज़ीरो हो जाएगा। मतलब जो VB माइनस VA है वो किसके पर इक्वल होगा, वर्क डन अपॉन क्यू नॉट के। और जब इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो हम यहाँ पर ज़ीरो लिख सकते हैं और VW अपॉन Q, और फिर अब जब हम Q की मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा, तो इसका मीनिंग वर्क डन भी आपका ज़ीरो हो जाएगा। और ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फोर्स जो होती हैं वो हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है। क्योंकि अगर यहाँ पर देखिए आपको वर्क डन अगर हमारा ज़ीरो होगा, मतलब ये एक वर्क डन का फॉर्मूला है, तो मतलब यहाँ पर हम क्यू जब इधर लेकर जाएंगे तो ये ज़ीरो रह जाएगा। आफ्टर डैट ये आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, जब हम वेक्टर फॉर्म सॉल्व करेंगे तो EdrCosθ मिल जाएगा और फिर EdR हम नीचे लेकर जाएंगे तो फिर ज़ीरो बन जाएगा, तो cosθ की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी और cosθ की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल cos 90 पर ही होती है और उसके बाद हम cos को cos से कैंसिल कर देंगे और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। तो हम यहाँ से क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर होती हैं। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है कि हमारा जो इक्वेटोरियल प्लेन होता है, इक्वेटोरियल प्लेन वो होता है जो हमारी इक्वेटोरियल लाइन से पास कर कर जाता है किसी भी डाइपोल के, तो उस पर भी हमारा ज़ीरो पोटेंशियल होता है। और जब उस पर सारे सरफेस पर ज़ीरो पोटेंशियल होगा तो वो भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला जाएगा और उस पर भी हमारा कोई वर्क डन नहीं होता अगर हम कोई भी चार्ज मूव कराते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमारे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन देंगे उसी पॉइंट पर, जो कि कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो डैट्स वाई कि हमारी इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज हमारे कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। नाउ पोटेंशियल एनर्जी इज़ एन एक्सटर्नल फील्ड, मतलब अगर हम अपने चार्ज को किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं और उसे मूव कराते हैं तो उस पर कितना वर्क डन होता है। वर्क डन मतलब एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी हुआ। अब देखो सिंगल चार्ज अगर हम मूव कराएंगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा Q मल्टीप्लाई V, और अगर टू चार्जेस की बात करते हैं तो Q1 V प्लस Q2 V R2 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। वो उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। और देख लीजिए ये चीज़ भी आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि ये VR1 क्या है, ये पोटेंशियल है R1 पॉइंट पर किसी एक्सटर्नल फील्ड से। अब हमारी टॉपिक है कि इक्विपोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी किन्हीं भी तीन चार्जेस की वजह से, तो इसका फॉर्मूला है 1/4πε₀Q1Q2 अपॉन R12 वो इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, प्लस 1/4πε₀Q1Q3 अपॉन R13 वो इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, प्लस 1/4πε₀Q2Q3 अपॉन 2R23 मतलब वो इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। अगर हमें कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो वो माइनस में आती है और वेक्टर फॉर्म में इसका हम बोल देंगे P वेक्टर मल्टीप्लाई E वेक्टर। अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा PE cosθ। और ये एक हमारा फॉर्मूला है कि एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की कितनी होती है, तो उसे हम U से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला है 1/2ε₀, यहाँ पर एक कांस्टेंट है, E² मतलब E जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी मैग्नीट्यूड है। और ये भी एक फॉर्मूला है कि E जो है वो हमारे वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस के इक्वल होता, डिस्टेंस के अपॉन में होता है। और अगर हमें ये एक यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है, अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमारी जो E की वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो हमारा वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है DR के। और कैपेसिटर हमारे इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे हमें ठीक से पढ़ना होगा। तो देखिए कैपेसिटर जो एक हमारा एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर या फिर चार्ज अपने अंदर स्टोर करता है।
और हमारा कैपेसिटर दो नॉन कंडक्टर चीज़ से मिलकर बना होता है जो कि हमारे इंसुलेटिंग मीडियम से सेपरेटेड होते हैं। अब देखिए कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटेंस उसकी एबिलिटी है कि हमारा जो मतलब आप कैपेसिटर है वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। तो देखिए वो डिपेंड करता है कि उसकी वोल्टेज कितने हैं, जितने ज़्यादा वोल्टेज होंगे उतने ही वो चार्ज ज़्यादा स्टोर कर सकता है। मतलब क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वी के, और जब हम यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो वो सी यहाँ पर लग जाएगा और वी क्यू इज इक्वल्स टू सी वी हो जाएगा। और सी यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं ये कैपेसिटेंस है हमारे कंडक्टर का। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो फैरड होती है, और हम यहाँ पर वन फैरड भी डिफाइन कर सकते हैं, वो इक्वल होता है वन कूलम्स अपॉन वन वोल्टेज। हमारा कैपेसिटेंस डिपेंड करता है साइज पर, शेप पर, मीडियम पर, या फिर जो हम कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं उस पर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है वो दो पैरेलल मेटेलिक प्लेट से मिलकर बना होता है, और उनके बीच में वो सेपरेटली सेपरेट होते हैं किसी भी डाइलेक्ट्रिक से, और उनका जो कैपेसिटेंस होता है वो सी इज इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। कि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, उसकी वैल्यू मीडियम के ऊपर डिपेंड होती है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट है, और ए यहाँ पर वो जो हम पैरेलल प्लेट यूज़ कर रहे हैं उसका एरिया है, और डी वो उन दोनों के बीच का सेपरेशन का डिस्टेंस है। और अब यहाँ पर हमारे कुछ स्पेशल केसेस दे रखे हैं, मतलब अगर हमारा जो कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके बीच में कोई मीडियम नहीं है, मतलब वो वैक्यूम में रखा हुआ है, तो उस कंडीशन पर के की वैल्यू 1 हो जाएगी और हमारा कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के इक्वल आ जाएगा। अगर हमारा जो पैरेलल प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो किसी भी एक मतलब डाइलेक्ट्रिक से फिल्ड हो चुका है जिसकी थिकनेस टी है, तो उस कंडीशन में आपका कैपेसिटेंस सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी जो है वो उन दोनों प्लेट्स के बीच का डिफरेंस है, माइनस टी जो है हमारे डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की थिकनेस है, प्लस टी अपॉन के जो है उसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है। और यहाँ पर हमें क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि हमारा जो नया वाला कैपेसिटेंस है वो ज़्यादा होगा हमारे ओरिजिनल से, कि मतलब हमारा जो डायलैक्ट्रिक स्लैब है अगर हम वो हम पैरेलल प्लेट के बीच में इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। नाउ डाइलेक्ट्रिक, देखिए डाइलेक्ट्रिक मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है, और इसे अगर हम पैरेलल प्लेट्स के बीच में रख देते हैं या फिर पैरेलल चार्ज कैपेसिटर के बीच में रख देते हैं तो उस पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है और इंड्यूस चार्ज भी क्रिएट हो जाता है, और उस जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का वो बिल्कुल अपोजिट होता है हमारी अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, जिसके वजह से हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है किसी भी डाइलेक्ट्रिक के वो रिड्यूस हो जाती है, और उसका फार्मूला ई नॉट मतलब जो आपकी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस ई पी मतलब जो इंड्यूस आपकी बाद में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है उसके इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि डाइलेक्ट्रिक लगाने से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल, मतलब हम कैपेसिटर को कैसे हम लगा सकते हैं, तो देखिए इसके टू वेज हैं, मतलब एक तो हम सीरीज में लगा सकते हैं, दूसरा हम पैरेलल में लगा सकते हैं। जब हम सीरीज में लगाते हैं तो हमारा नेट कैपेसिटेंस 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और अगर काफ़ी सारे हैं तो वो ऐसे ही हमारी एक्सटेंड होता रहेगा, और उस केस में आपके सीरीज में हमारा चार्ज होते हैं वो सब पर सारी कैपेसिटेंस पर इक्वल होगा, लेकिन वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होगा। पहले सपोज कर लेते हैं C1 पर हमारा V1 हो सकता है, C2 पर हमारा V2 और C3 पर V3, और हमें नेट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो हम इन सबको समेशन कर लेंगे। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो अगर हम दो कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा देते हैं या दो से ज़्यादा, तो उस केस में हमारा नेट कैपेसिटेंस हो जाता है सी इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। और याद रखिएगा उस केस में हमारे पहले वाले केस में हमारा चार्ज सेम रहता था, और सेकेंड केस में हमारा वी सबका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, और हमारा चार्ज होगा वो पहले वाले का Q1 मान लेते हैं, दूसरे वाले कैपेसिटर के लिए Q2 और तीसरे वाले के लिए Q3, और नेट कैपेसिटर चार्ज होगा वो उन सबका समेशन कर लेंगे। और जो हमारी एनर्जी स्टोर होती है किसी भी कैपेसिटर के उसके लिए फार्मूला है 1/2 CV² Q² / 2C इज इक्वल टू 1/QV, और उसे हम जूल में कैलकुलेट करते हैं। और देखिए ये इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन डिपेंड होता है,
मतलब अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं कैपेसिटर के बीच में, और पहला केस है देखिए उस कैपेसिटर से हमारी बैटरी जो है वो कनेक्टेड है, जब हम स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस केस में हमारा वोल्टेज तो सेम रहता है और हमारा कैपेसिटेंस चेंज हो जाता था, जिसकी वैल्यू जो बाद में कैपेसिटेंस होता है वो KC हो जाती है और चार्ज भी हमारा चेंज हो जाता है, मतलब हम अपने डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट और ओरिजिनल चार्ज से मल्टीप्लाई करा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहती है और एनर्जी भी आपकी चेंज हो जाती है, मतलब एनर्जी हमारी K से मल्टीप्लाई हो जाते हैं हमारी ओरिजिनल वाली की। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारी पोटेंशियल वोल्टेज, मतलब वोल्टेज ही सेम रहता है, बाकी सब चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हमारी बैटरी जो है उसे हम डिसकनेक्ट कर देते हैं कैपेसिटर से, तो उस कंडीशन में हमारा चार्ज सेम रहता है लेकिन कैपेसिटेंस हमारा चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाती है, वोल्टेज भी चेंज हो जाता है और हमारी एनर्जी भी चेंज हो जाती है। देखिए पहले सब लोग, पहले हमारा कैपेसिटेंस बढ़ रहा था, चार्ज भी बढ़ रहा था और एनर्जी भी बढ़ रही थी, लेकिन इस बार सिर्फ कैपेसिटेंस बढ़ा है, बाकी सब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज और हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी वो सब रिड्यूस हो रहे हैं। ना हमारी लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर की कि जब हम चार्ज ट्रांसफ़र करते हैं या फिर कॉमन पोटेंशियल या फिर एनर्जी लॉस कितना होता है जब हम दो कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1C2, ये इक्वल हो सकता है Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 के। और जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है उसकी हम कैलकुलेशन यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं, C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 इन ब्रैकेट V1 माइनस V2। और जो एनर्जी लॉस होती है उसे हम लिख सकते हैं डेल्टा U, मतलब जो थोड़ा सा चेंज हुआ है एनर्जी में, 1/2 C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई V माइनस V2 का होल स्क्वायर। और ये फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद आपको हमारे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप बोर्ड के लिए रेडी हो जाएंगे इस चैप्टर की तरफ से।